हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? चार ऑप्शंस हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, डोर टू डोर कोरोना मरीजों का सर्वे किया जाएगा और इसमें यह 15 दिनों का अभियान है। टोटल 15 डेज़ इस अभियान को चलाया जाएगा और इसमें 15 डेज़ में 2.5 लाख टेस्ट करने की सोची गई है, करने का एजेंडा है। और इस अभियान के तहत पर डे 15,000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, 15,000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। तो किल कोरोना नाम का अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। चार ऑप्शन हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, के जी सुरेश, मोहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोफेसर संजय द्विवेदी। जी हाँ, संजय द्विवेदी जी को भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूएफओ दिवस यानी कि वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 2 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जून, 29 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है भी कहते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि एलियंस की मौजूदगी पर बहस की जाए और उनके खोज के लिए प्रयास किए जाएं, इसलिए ये यूएफओ दिवस यानी कि वर्ल्ड यूएफओ डे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है? इंडियन एयरफोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था, भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था टिड्डी दल से निपटने के लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी है और ड्रोन से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 नाम के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। इससे ज़्यादा टिड्डी दल का ये दूसरा हमला है। अभी कुछ हफ्तों पहले टिड्डी दल का एक हमला हुआ था और अब टिड्डी दल का ये दूसरा हमला है। इससे खाद्यान्न पर संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर MI-17 का इस्तेमाल शुरू किया है कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, जिसे टिड्डी दल से निपटा जा सकेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नमेंट को लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रो पी सी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रो पी सी महाल नोबिस पुरस्कार किस भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को यह प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, उर्जित पटेल, चक्रवर्ती रंगराजन, रघुराम राजन
और बी सिब्बा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन, यानी कि सी रंगराजन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, नाडा ऐप, खेलो इंडिया, भ्रष्टाचार हटाओ ऐप, डोप टेस्ट ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाडा ऐप। नाडा ऐप यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप में खिलाड़ियों को ये बताया जाएगा कि कौन सी दवा प्रतिबंधित है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए। तो खेल मंत्री ने नाडा ऐप को लॉन्च किया है खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, तो चार ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, भारत, हांगकांग और ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हांगकांग। जी हाँ, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से हांगकांग को प्रतिबंधित कर दिया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? चार ऑप्शंस हैं, 109 जोड़ी रूट, 119 जोड़ी रूट, 129 जोड़ी रूट और 139 जोड़ी रूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 109 जोड़ी रूट। जी हाँ, खेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। और इसमें इन निजी कंपनियों से जो आवेदन मांगे हैं, इसके तहत जो भी ट्रेन चलेंगी वो उनकी स्पीड कम से कम 160 किलोमीटर पर आवर होगी, जिससे कि बहुत ही कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकेगा, और एक ट्रेन में कम से कम 16 डब्बे होंगे। तो कुल 109 जोड़ी रूटों पर निजी कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई। जी हाँ, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल मेडिकल डे मनाया जाता है, और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि IMA के द्वारा मनाया जाता है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इस वर्ष यानी वर्ष 2020 की थीम है कोविड की मृत्यु दर को कम करना। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 की थीम है कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। और ये मनाया क्यों जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान राय की याद में। विधान राय जो कि डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हीं की याद में ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, सुनील जोशी, सौरभ मित्तल, मनोज द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था मनोज द्विवेदी। जी हाँ, मनोज द्विवेदी को जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, किरण मजूमदार शॉ, के शैलजा, पायल जांगिड़ और सुमन गवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।